हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं कामरान अली और मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो गाइस, आज जो हमने वीडियो सेलेक्ट की है वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है हिमालयन एक्सप्रेसवे चंडीगढ़ शिमला एक्सप्रेसवे। इज इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी और स्मार्ट सिटी गाइड चैनल से ये वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट भी वहाँ मिल जाएंगे, जरूर फॉलो कीजिएगा। तो बगैर किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। आखिरी बार रह जाते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलेगा स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा आज के दिन उद्घाटन किए गए हिमालयन एक्सप्रेसवे के बारे में। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में कई हाईवे परियोजनाओं का नितिन गडकरी द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इन सभी हाईवे परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 222 किलोमीटर है और इनके निर्माण के लिए 6155 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने हिमाचल प्रदेश में 11 नए टनल्स के निर्माण का आश्वासन भी दिया। आज के दिन उद्घाटन किए गए परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण परवाणु टू सोलन हाईवे है, जिसकी लंबाई लगभग 39 किलोमीटर है और यह हिमालयन एक्सप्रेसवे का एक खंड है जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। हिमालयन एक्सप्रेसवे को चंडीगढ़ शिमला एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और इस पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे पार्शियली कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे है, अर्थात भविष्य में काफी आसानी से इसको फुल्ली कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया जा सकता है। वर्तमान में इस परियोजना का लगभग आधा से अधिक खंड बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी किया जा चुका है। तो चलिए विस्तार पूर्वक बात करते हैं हिमालयन एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जैसा कि आपको पता है कि शिमला हमारे देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन चंडीगढ़ से शिमला के बीच दो लेन का हाईवे मौजूद था जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 5 के नाम से जाना जाता है। शिमला जाने वाले पर्यटकों की संख्या के हिसाब से यह दो लेन का हाईवे यातायात के लिए काफी नहीं था। अतः चंडीगढ़ से शिमला के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए वर्ष 2007 में हिमालयन एक्सप्रेसवे परियोजना को लॉन्च किया गया। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पर किया जा रहा है। सबसे पहले वर्ष 2007 में जीकरपुर से परवाणु के बीच 28.6 किलोमीटर लंबा फोर लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सहमति जारी हुई। जीकरपुर से परवाणु का खंड अप्रैल 2012 में बनकर तैयार हो गया। इस खंड के अंतर्गत ही चंडी मंदिर के नजदीक 14 लेन का टोल प्लाजा भी बनाया गया और यह टोल प्लाजा हमारे देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस टोल प्लाजा है। इस खंड के निर्माण में लगभग 412 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इसका निर्माण जेपी ग्रुप द्वारा किया गया था। यह खंड शिमला और चंडीगढ़ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जरूरी था, लेकिन काफी नहीं था। अतः सितंबर 2015 में परवाणु से शिमला के बीच वाया सोलन फोर लेन पार्शियली कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत परवाणु से सोलन के बीच का खंड बनकर तैयार हो चुका है और दिनांक 24 जून 2021 को इसका उद्घाटन मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया गया। परवाणु से सोलन खंड की लंबाई लगभग 39 किलोमीटर है। अब इस खंड के ओपन हो जाने के बाद चंडीगढ़ और शिमला के बीच यातायात के दौरान लगभग आधा घंटा और कम समय लगेगा। परवाणु सोलन खंड के अंतर्गत 936 मीटर लंबी टनल, 4 माइनर ब्रिज, 1 फ्लाईओवर और 1 पार्क को डेवलप किया गया है। इस 39 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण में 1303 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका निर्माण जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। वर्तमान में सोलन से शिमला खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सोलन से शिमला खंड की लंबाई लगभग 51 किलोमीटर है और यह खंड उम्मीद है कि 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अतः चंडीगढ़ शिमला एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद चंडीगढ़ और शिमला के बीच की दूरी को 2 घंटे से कम समय में भी पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल प्रदेश का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। सोलन से शिमला खंड के निर्माण में लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास धनराशि खर्च की जाएगी
इतना ही नहीं, आपको जानकारी दे दें कि शिमला और धर्मशाला के बीच में फोर लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है। अतः यह सभी हाईवे परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। भारत के अपकमिंग टॉप 5 लॉन्गेस्ट टनल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। यार, शिमला के बारे में अगर बात की जाए तो ये तो बहुत मतलब मेन और बड़ा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है शिमला ना। और मतलब हमने सुना भी है, यहाँ पे मूवीज़ वगैरह में भी देखा है कि वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाते हैं या उसके लिए टूर्स वगैरह आते हैं, मतलब फॉरनर्स वगैरह भी काफ़ी आते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हर जगह की ज़रूरतें बढ़ती हैं। वैसे वीडियो में बता रहे थे कि टू लेन का जो है वो कम पड़ रहा था, तो अभी फोर लेन का जो है वो है। उसके साथ साथ जो टनल बनाई है वो बड़ी खूबसूरत टनल बड़ी खूबसूरत जो वीडियो के अंदर पहला इम्प्रेशन था ना वो बहुत ही कमाल का था। टनल बड़ी खूबसूरत बनी है। दूसरा ये कि मतलब वो बता रहे हैं कि शिमला से जो चंडीगढ़ से शिमला है वो रास्ता सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। तो मतलब ये तो पहले भी हमने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हैं, रोड नेटवर्क और रोड सिस्टम जो है वो बड़ा जदीद किस्म का बनाया जा रहा है। स्पेशली टनल्स वगैरह पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है वो बड़ी काबिलकारी तेजी की तरफ, जिससे कहते हैं ना एक इलाके को अगर तरक्की देनी है तो जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और वहाँ के रोड रास्ते जो ना बहुत ही अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टूरिस्ट वगैरह जाएंगे उनको भी सहूलत होगी तो जाएंगे, तो अदरवाइज काफ़ी लोग जो होते हैं जो शहरों में या आस पास के टूरिस्ट इलाके होते हैं वहाँ पर तो घूमने चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे रोड रस्ते नहीं है रोड्स नहीं बने वहाँ पे लोग बचने के लिए जाते नहीं है लोग, तो वो चीज जो ना पूरी यानी के एक फेस नजर नहीं आता उस शहर का या उस इलाके का कि वहाँ पे क्या चीज है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। धर्मशाला को भी उन्होंने कनेक्ट किया है वो भी एक अच्छी चीज है, वो भी एक अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कनेक्टेड है तो बहुत अच्छा है भाई। चौथा लेन का था, हाँ ऐसे चौथा लेन का बड़ा खूबसूरत टूल प्लाजा बना हुआ। तो ओवरऑल मतलब इम्प्रेसिव कंस्ट्रक्शन वर्क है, और जैसे उन्होंने बताया कि नए ब्रिजेस और टनल बनाए गए हैं उसको कम करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, को कम करने के लिए, डिस्टेंस को कम करने के लिए, हाफ आवर का मेरे ख्याल में शायद उसमें टाइम बता दे, हाँ काम लगेगा। और 900 to 36 जो था ना वो टनल की ओरिजिनल लंबाई थी, 936 के आसपास, हाँ ऐसे ही था। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो रोड अगर खराब भी हो ना, जो आउटसाइड आपके नज़ारा है ना साइड पे वो आपके सारे जो है ना वो फिर ये है कि जो ट्रैवल के लिए बड़ा ट्रैवल का बड़ा डाई हार्ड फैन होता है ट्रैवलिंग का वो तो हर जगह चला जाता है बिल्कुल, बट ये है कि जो मतलब सुकून से ट्रैवल करने वाले फॉरनर्स या टूरिस्ट होते हैं वो फिर देख सोच के ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ टूरिस्ट होते हैं जो कंफर्ट जोन में ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जैसा है जाना है, जैसे बिल्कुल हाँ सोचते हैं जैसा है जाना है जाना है, तो जन्म जिसे कहते हैं। तो गाइस ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी, बड़ा इम्प्रेसिव कंस्ट्रक्शन का काम है ये, और वैसे कोई आसान काम भी नहीं है। पहाड़ी इलाकों में 30-40-50 किलोमीटर की रोड बनाना भी जो है एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जगह ऐसी होती हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन आसान नहीं होती, लैंडस्लाइडिंग ये वो। तो वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें यार, बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि चैनल को तकरीबन कोई 3 महीने के बाद हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है, और इस मामले में हमें आपकी सपोर्ट की और मदद की बड़ी ज़रूरत है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मिलते हैं बस किसी और वीडियो में मुलाकात तक के लिए, आज तक के लिए बाय बाय।